हेलो चिल्ड्रन, आई एम बैक विद द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर द ड्रैगन रॉक। तो चिल्ड्रन, सेकेंड पार्ट में हमने देखा था दैट द विलेजर्स फ्रॉम दैट वैली वर वेरी वरीड एंड दे वर प्रेइंग टू गॉड फॉर द रेन, कि बारिश हो जाए, बट देर वॉज नो रेन एट ऑल एंड एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग एंग्री एट द ड्रैगन रॉक बिकॉज they were hoping the dragon rock will get them rain after some time when seeing their problems. उनकी problems को देख कर जो dragon है वो बारिश करवाएगा और finally उनकी जो problem है दूर हो जाएगी। so ऐसा नहीं हुआ। so उन्होंने क्या किया, वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगे। but the children they did not lose their hope, they went around the टाउन, पूरे शहर में घूमते हैं, वहाँ से फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं। फाइनली दे ऑफर ऑल द फ्लावर्स टू द ड्रैगन रॉक, उसको ऑफर करते हैं। एंड लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर बीइंग ऑफर्ड विद फ्लावर्स बाय द चिल्ड्रन। अब आफ्टर ऑफरिंग द फ्लावर्स, चिल्ड्रन स्टार्टेड राइमिंग द सेम पोम, वो फिर से वही पोम गाते हैं। इन द In times of trouble, the dragon will wake and save the village by making lake. So ये सारे बच्चे ही poem गाते हैं to influence the dragon rock, उसको प्रभावित करने के लिए, influence करने के लिए। Then what happens? The searing heat made them dizzy and fuzzy and finally they all fell in a sprawling heap. They looked up at the rock. अब क्या होता है, बिकॉज इट इज़ सो ड्राई एंड इट इज़ सो हॉट, सो द चिल्ड्रन आफ्टर प्रेइंग द ड्रैगन रॉक दे स्टार्टेड फीलिंग डीजी, वो बहुत इनको चक्कर आने लगे और एक्सट्रीम हीट की वजह से, बहुत गर्मी की वजह से उनको चक्कर आने लगे। एंड वन बाय वन ऑल द चिल्ड्रन स्टार्टेड फेंटिंग इन अ स्प्राउलिंग हीट, वो जो ढेर था उस पर सब चिल्ड्रन फेंट होके गिरने लगे। दे लुक्ड अप एट द रॉक एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन द स्प्राउलिंग हीप दे स्टार्टेड लुकिंग एट द रॉक, वो उसकी तरफ उन्होंने देखना शुरू कर दिया विद द होप कि हम लोगों की इतनी बुरी कंडीशन देख के शायद इस ड्रैगन को सिंपैथी आ जाए और ये हमारे लिए कुछ अच्छा करें। बट क्या होता है चिल्ड्रन, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। अ ड्राई विंड लेजिली पिक्ड अप सम फ्लावर्स फ्लावर हेड्स एंड स्वर्ल्ड देम अराउंड, द एयर वॉज थिक विद पॉलन एंड परफ्यूम, अ स्टोरी ग्रेन नॉस्ट्रल ट्विस्ट। अब नाउ व्हाट हैपेंस, सो व्हेन द थिंग्स वर कम्प्लीटली नो थिंग्स वर अबाउट टू फिनिश, सब कुछ खत्म होने वाला होता है, फिर क्या होता है, अ ड्राई विंड लेजली, एक ड्राई बहुत सूखी सी हवा आती है, ड्राई विंड कम्स केम एंड इट टुक ऑल द विदर्ड फ्लावर्स, सारे फ्लावर्स को जो मुरझाए हुए फ्लावर्स थे उनको अपने साथ ले करके एंड स्वर्ल देम अराउंड, और इधर उधर घूमती है, गोल गोल करके घूमती है। एंड The air was thick and pollen, thick with pollen. So जो air होती है it became thick and thick with pollen. Pollen का मतलब होता है जो फूलों का जूस होता है उससे, और परफ्यूम से काफ़ी जो एयर थी वो उसमें, उस हवा में, विंड में बहुत ज़्यादा परफ्यूम होती है, बहुत ज़्यादा वो थिक होती है क्योंकि उसमें फूलों का जूस होता है। A stony grey nostril twist and in that time, meanwhile क्या होता है, stony grey nostril, जो rock, dragon rock होता है उसकी जो nostril होती है, उसकी जो नाक होती है, नाक के ना नथुने जो होते हैं वो, उसमें एक sudden movement होता है, एक started having a sudden movement, उसमें एक अचानक से एक बहुत ज़्यादा movement यानी उसमें गति होती है। I saw something, cried the youngest boy. अब because all the children are falling, playing on the floor, सब पड़े हुए हैं, so one of the youngest child, उसमें से एक छोटा बच्चा होता है, he said that I have seen, I saw something moving
वो कहता है मैंने कुछ मूव करते हुए देखा है, इसे हिलते हुए देखा है। दे स्टेयर्ड इंटेंटली दे ऑल आफ्टर लिसनिंग टू द यंगेस्ट चाइल्ड ऑल द चिल्ड्रन स्टार्टेड लुकिंग एट द ड्रैगन रॉक उसके तरफ इंटेंटली यानी ध्यान से देखने लगते हैं। द ग्राउंड बिगिन टू रंबल लुक आउट रन रन। अब क्या होता है जो ग्राउंड होता है रंबल का मतलब हिलना डुलना। सो द ग्राउंड इज स्टार्टेड नो रंबलिंग बहुत ज़्यादा वो हिलने डुलने लगता है। और सब कहते हैं लुक आउट रन रन यानी बी केयरफुल एंड भागो यानी बी केयरफुल एंड रन अवे फ्रॉम हेयर। द चिल्ड्रन स्कैम्पर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस श्रीकिंग एंड स्क्विलिंग आर्म्स पंपिंग विद एक्साइटमेंट। द चिल्ड्रन स्कैम्पर्ड मीन्स अगेन अ सडन मूव और इवन क्विक मूव बहुत ज़्यादा जल्दी भागना। सो ऑल द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर इन डिफरेंट डायरेक्शंस स्क्रीमिंग विद एक्साइटमेंट। बहुत ज़्यादा वो चिल्ला रहे होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या होते हैं दे आर हैप्पी दे आर एक्साइट दे वर हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज दे हैव फेल्ट दैट द ड्रैगन हैड बिकम अलाइव। अब वो जिंदा हो गया है नाउ ही विल डू समथिंग और द अदर फॉर द सेक ऑफ दिस विलेज। सो द रंबलिंग ग्रू एंड ग्रू और जो रंबलिंग होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है यानी जो हिलती हुई जो क्विकरिंग होती है जो हिलती हुई अर्थ होती है वो उसका जो मूवमेंट है और ज़्यादा बढ़ने लगता है यानी और ज़्यादा वो हिलने लगती है। The dragon raised its sleepy head. It got onto its front feet and sat like a dog. It stood up and stretched, arcing its long scaly back like a sleek tabby cat. It blinked and looked around with a big, kind, long, lashed eye. अब बच्चों क्या होता है? अब जो चिल्ड्रन वो जो ड्रैगन होता है बिकॉज ही वॉज बिफोर वेकिंग अप ही वॉज स्लीपिंग वो बहुत गहरी नींद में था एंड इट सीम्स दैट इट हैज़ नो लाइफ एट ऑल एंड इट्स अ ड्रैगन रॉक। ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई जान नहीं है और वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। सो आफ्टर वेकिंग अप इट स्टिल द ड्रैगन रॉक लुक्ड स्लीपी उसको अभी भी बहुत वो स्लीपी लग रहा है बट फाइनली ही raised his head वो अपना सर उठाता है and the dragon rock put his front feet and sat like a dog। वो आगे के feet अपने सामने की तरफ रखता है। if you see children in this picture आगे के अपने जो feet सामने रखता है and then क्या करता है वो it sat like a dog वो एक dog की तरीके से बैठ जाता है। it stood up and stretched arcing its long scaly back like a sleek tabby cat। अब then after he stood up वो खड़ा होता है and he stretched and he arcing its long scaly back यानी children arcing का मतलब होता है curvy या फिर आप इसको ऐसे समझ लो ये जो posture होता है this is called arc। so इसमें it has been compared with a sitting posture of a cat जैसे cat बैठती है एक बिल्ली बैठती है उस तरीके से ये dragon भी बैठ जाता है। I don't have any picture of it ठीक है। तो dog की तरीके से आगे पैर करता है and it stretched and arched his back like a tabby cat जैसे कैट होती है बिल्ली होती है उस तरीके से वो बैठ जाता है। एंड देन इट इज़ स्टार्टेड लुकिंग अराउंड विद हिज काइंड लैश्ड आइज उसके फिर वो इधर उधर बहुत ही सिंपैथी के साथ लोगों की तरफ काइंडनेस के साथ देखना शुरू कर देता है। लैश्ड आइट इट मीन्स उसकी जो आँखों में जो पलके हैं पलके इधर उधर घुमाते हुए इट इज़ स्टार्ट लुकिंग एवरीवेयर। सो द मीनिंग ऑफ ब्लिंक इज आँखें पलके झपकना। सो चिल्ड्रन नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चन। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू दैट
Why did the children become dizzy? जो बच्चे थे वो क्यों dizzy? Why did the children become dizzy? वो बच्चे क्यों बेहोश हो गए थे? Question number 2. Who said I saw something? किसने कहा मैंने कुछ देखा? Question number 3. Why did the children start running here and there? जो बच्चे होते हैं वो कि इधर उधर भागने लगते हैं. Question number 4. Why did the earth start rumbling? जो earth होती है वो क्यों हिलने डुलने लगती है, ऐसा क्या हो जाता है? And question number 5th is, Did the dragon rock become alive? जो dragon rock होता है क्या वो alive हो जाता है, जिंदा हो जाता है? So these 5 questions children you need to answer after you watch the whole video. Children, ask your doubts if you have while studying. Keep in touch with all the teachers. Children, I now saying this, I would say thank you and bye bye.